जय श्री कृष्णा। क्लास 11 के रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों का इस गीताधाम गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम रासायनिक संयोजन के कुछ नियम पढ़ रहे थे या बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, गैलुशाक का आयतन संबंधी नियम। गैलुशाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसकी थ्योरी मैं आपको भेज चुका हूँ। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स की थ्योरी है वो मैं आपको भेज चुका हूँ। तो अगर आप अपने जब इस वीडियो को आप पढ़ें तो अपने पास में थ्योरी को खुला रख सकते हैं या थ्योरी बेस पे आपने जो नोट्स बनाए उसको भी आप कंटिन्यू में रख सकते हैं। तो गैलुशाक ने क्या कहा, एक साधारण सी भाषा में नोट्स की जो भाषा है उसको मैं समझाता हूँ कि फ्रांस के वैज्ञानिक गैलुशाक ने गैसों को रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन के आधार पर बताया। इसके अनुसार समान ताप और समान दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों और क्रिया फलों का जो आयतन है परस्पर सरल अनुपात में होता है। यदि अगर उसके अनुसार अपन बात करें तो अगर मैं हेडिंग लिखें फ्रांस के वैज्ञानिक गैलुशाक ने रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर गैसीय आयतन की अवधारणा को समझाया। पहला पॉइंट। अगली बात कर, इसके अनुसार समान ताप तथा समान दाब पर क्रियाकारक तथा क्रियाफलों की जो आयतन है परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। अपन लिख सकते हैं इसके अनुसार समान ताप तथा समान दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाफलों तथा क्रिया कारकों के आयतन के गैसीय आयतन परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। उसने बताया क्रिया कारक और क्रियाफल के आपस में जो अनुपात होते हैं, उनके जो आयतनों के अनुपात होते हैं वो परस्पर एक सरल अनुपात के रूप में रहते हैं। यदि हम HCl का निर्माण करते हैं, H2 और Cl2 के संयोग से एक आयतन H2 और एक आयतन Cl2 के संयोग करने से दो आयतन हमारे पास में HCl का निर्माण होता है। यदि हम इनका संयोग करें तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर होती है। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। H2 और Cl2 के संयोग से HCl का निर्माण, क्या पॉइंट बनता है, एक आयतन H2 एक आयतन Cl2 के संयोग से दो आयतन HCl का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो H2 प्लस Cl2 हमारे पास में क्या बनता है, HCl बनता है। यदि हम इनको संतुलन करें तो ये भी दो तो हमारे पास में दो होना चाहिए। तो ये एक आयतन है, ये भी एक आयतन है। यदि हम आयतन में लिखें इनको, यदि हम इसको आयतन में लिखकर आगे की तरफ करते हैं तो हमारे पास में एक आयतन
ये भी एक आयतन, ये दो आयतन, एक पॉइंट, एक सेकंड होल्ड रखिए। चलो इससे ही काम चलाते हैं। यदि हम इसके लिखें ये 50 ml, ये 50 ml, क्यों बराबर मात्रा ले रहे हैं, तो हमारे पास में ये जो प्राप्त हो रहा है ये हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 100 ml। तो यदि मैं इनका सरल अनुपात निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1:1 या 2 निकल जाएगा, या मैं कह सकता हूं क्रिया कारक अनुपात क्रियाफल, क्रिया कारक अनुपात 1 और इनका अनुपात कितना हो गया 2, तो 1:2 हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। तो ये है गैलुशाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुशाक के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो गैसीय अणु हैं उनके जो आयतन होते हैं वो आपस में सरल अनुपात के रूप में रहते हैं। तो अभिकारकों का अनुपात और इनका अनुपात जो है 1:1 या 1:1:2 के रूप में सरल अनुपात के रूप में है। यदि हम H2O2 का संयोग करें, इसी प्रकार यदि हम H2O2 का संयोग करके अगर काम करें तो उससे भी हमें एक चीज़ प्राप्त होती है, देखते हैं हम कैसे। H2 व O2 के संयोग से H2O का निर्माण, तो H2 प्लस O2 बन क्या गया H2O। तो यहां जो है H2 है दो आयतन, ये एक आयतन, और हमारे पास में जल बनता है वो एक आयतन का बनता है, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये है जो हमारे पास में 100 ml है, ये 50 ml है, और हमारे पास में जल जो बन रहा है वो 100 ml का बन रहा है। तो अनुपात निकालें तो 2:1 समानुपात 1, या अभिकारकों का अनुपात क्या निकल जाएगा, 100 ml अनुपात 50 ml, 2:1। पर ये 2:1 कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है। तो यहाँ से हमारी थ्योरी क्लियर हो जाती है कि गैसीय जो आयतन है अभिकारक और अभिक्रियाफल जो आपस में कैसे अनुपात के रूप में रहते हैं, सरल अनुपात के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें ये थ्योरी क्लियर हो जाती है। तो ये था हमारा गैलुशाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। H2 व O2 के संयोग से हमने H2O का निर्माण पढ़ा, और H2 व Cl2 के संयोग से हमने HCl का निर्माण पढ़ा। इन दो के संयोग से हमें प्राप्त पता चला कि इनके जो आयतन हैं वो परस्पर सरल अनुपात के रूप में व्याप्त होते हैं। यहाँ से हमें ये चीज़ प्राप्त हुई। अगर अब आगे की ओर हम पढ़ते हैं तो अगली परिकल्पना हमारे पास में आती है आवागाद्रो की कल्पना। 1811 में आवागाद्रो ने कल्पना दी कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। देखिए आवागाद्रो की परिकल्पना, हम छोटे छोटे पॉइंटों के थ्रू इसको आगे बढ़ा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। एक सेकेंड, एक मार्कर हम मिल नहीं पा रहा है, चलो मिल गया। आवागाद्रो की कल्पना कितने में दी, कब दी, 1811 में, कब दी 1811 में नदी। इसके अनुसार क्या है, समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान, समान ताप, बात को नोट करना, समान ताप व समान
दाब पर, समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में, ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। ये कल्पना किसने दी थी? ये कल्पना हमें दी थी अवोगाद्रो ने। किसने दी थी? अवोगाद्रो ने, कि समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन पर, समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। और इसी के आधार पर हम अणु और परमाणु में भेद कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसी आधार पर अणु एवं परमाणु में विभेद होता है। इसी आधार पर अणु और परमाणु में भेद होता है। अवोगाद्रो कल्पना वापस देखिए कि 1811 में अवोगाद्रो ने कल्पना दी थी और उसने कहा था कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। ये अवोगाद्रो ने हमें चीज क्लियर करी। और इसी आधार पर अणु और परमाणु में विभेद किया जाता है। और मेरे साथियों, अगर आपसे परिभाषा के तौर पर पूछा जाए कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो क्या हम उस चीज़ को नहीं बता सकते हैं? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? परमाणु। और किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो और अणु कहलाता है। तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। एक तत्व भी अणु कहला सकता है और एक यौगिक भी है जो अणु कहला सकता है। यदि हम शॉर्टकट रूप में परमाणु को देखें तो परमाणु किसे कहते हैं? सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। और अणु किसको कहेंगे? छोटा भाग स्वतंत्र अस्तित्व हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। अब चाहे वो तत्व हो या क्या हो, यौगिक हो, क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। या हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, या अणुओं के विखंडन से परमाणु का निर्माण होता है। वो कक्षा 10 तक की परिभाषा है, लेकिन 11-12 में हमारे पास में परिभाषा ये रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भी नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। तो मेरे साथियों, एक बार वीडियो को आराम से पॉज करके 1-2 बार देखें, आपका टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।